जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें तो एक्सेल को हम कैसे स्टार्ट करते हैं और एक्सेल पे प्रॉपर तरीके से हम कैसे काम करते हैं, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक्सेल के बारे में बात करें तो एक्सेल का प्रयोग ज्यादातर कंपनियों में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी कंपनियों में जो डेटा एंट्री के लिए कार्य होते हैं वो आपके एक्सेल के ही बेस पे करवाए जाते हैं। और एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक मेन पैकेज है। समझ में आ रहा है ना? और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही देन है। सबसे पहले तो हम एक्सेल ओपन करें तो विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे EXCEL, एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लिख के आया हुआ, क्योंकि एक्सेल ही है और एक्सेल को वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। और वही अगर एमएस वर्ड ओपन करते तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख करके आता। समझ में आ रहा है ना? तो चूंकि एक्सेल की बात हो रही है, एक्सेल जब यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखेगा। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो हमने एमएस वर्ड पढ़ाया था तो उसमें हमको पेज मिला हुआ था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसमें हमको सीट प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? सीट प्रोवाइड किया जाता है। और इसको बाय डिफॉल्ट बुक के नाम से भी जानते हैं, बुक वन के नाम से भी जानते हैं। जैसे याद करिए, मैंने एमएस वर्ड पढ़ाया था तो जब हम एमएस वर्ड की पेज ओपन करते थे तो डॉक्यूमेंट वन लिख करके आता था और साइड में वर्ड लिखा होता था, लेकिन इसमें बुक वन लिखा हुआ है। एक्सेल को हम बुक के नाम से भी जानते हैं और इसमें अनेकों सेल होते हैं। इसमें अनेकों क्या होते हैं? सेल होते हैं। और सेल के बारे में हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी मैंने लिखवाया है कि रो और कॉलम के कटान बिंदु से मिलने से सेल का निर्माण होता है। यानी कि रो मिलेगा और कॉलम मिलेगा तब जाकर के सेल बनेगा, अदरवाइज संभव नहीं है कि सेल बन पाए। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। मैंने एमएस वर्ड में पढ़ा था, इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे जो टॉप वाला एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। और इस टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? तो मैंने बताया था क्विक एक्सेस टूल बार इसी टाइटल बार में पाया जाता है, सॉफ्टवेयर का नाम इसी में दिखाता है, और प्लस मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी इसी ऑप्शन में दिखाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे एरो टाइप का बना हुआ, इसका नाम मैंने दिया था रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आएगा, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब और शो टैब एंड कमांड्स। इसमें तीन ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो। तीन ऑप्शन दे रहा है ना? पहला लिखा हुआ है ऑटो हाइड रिबन, और सेकंड लिखा हुआ है शो टैब, और तीसरा लिखा हुआ है शो टैब एंड कमांड्स। तो देखिए, एमएस वर्ड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था इन तीनों ऑप्शन का क्या प्रयोग है, कोई बताएगा? बोलिए, ये तीनों ऑप्शन का क्या प्रयोग है? देखिए, अगर पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो केवल टाइटल बार को छोड़ करके शेष सभी हाइड हो जाएगा। तो टाइटल बार को छोड़ करके क्या क्या बचेगा? मेनू बार है और प्लस रिबन, ये दोनों एक साथ हाइड हो जाए, ये दोनों एक साथ छुप जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये हाइड हो जाएगा आपका रिबन। रिबन में क्या क्या, जैसे रिबन में आपका रिबन हाइड हो जाएगा और प्लस आपका मेनू बार हाइड हो जाएगा। केवल आपको दिखेगा तो केवल क्या दिखेगा? अच्छा टाइटल बार दिखेगा। ये पहले ऑप्शन का प्रयोग है। और इसकी शॉर्टकट की होती है क्या? अच्छा कंट्रोल प्लस F1। हाइड और शो कराने के लिए कंट्रोल प्लस F1 होता है। और जैसे ही हम इस पे क्लिक किया मैंने तो देखिए, यहाँ से दोनों ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो गए। पुनः चाहते हैं कि दोनों ऑप्शन आए तो दोनों ऑप्शन तब आएगा इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए दो ऑप्शन और भी आपको मिलेगा। अभी तो केवल मैंने फर्स्ट वाला बताया है ना, और सेकंड में लिखा हुआ है शो टैब, मतलब केवल टैब को शो कराना चाहते हैं मेनू बार के अलावा, और हम रिबन को शो नहीं कराना चाहते हैं तो केवल टैब शो वाले पे क्लिक करेंगे, शो टैब वाले पे क्लिक करेंगे तो केवल हमारे सामने अभी आपको केवल टैब दिखेगा जिसको मेनू बार के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया था इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है, प्लस इसको टैब के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया था ना। और देखिए, और वही हम चाहते हैं कि मेनू बार के साथ साथ रिबन भी दिखे तो इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, कोई दिक्कत? और इसी की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस।
अल्ट प्लस F1 से हाइड होगा, अल्ट प्लस F1 से, सॉरी कंट्रोल प्लस F1, सॉरी, समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल प्लस F1 से हाइड होगा और कंट्रोल प्लस F1 से क्या हो जाएगा, शो भी हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, रिबन होता है। अब चलिए अब इसके बारे में हम बात करें, यहाँ पे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मेनू बार के बारे में बात करें तो देखिए इसमें बहुत सारा ऐसा मेनू बार है जो आपको एमएस वर्ड में नहीं मिला हुआ था। कॉमन क्या है, होम टैब आपको एमएस वर्ड में मिला था, फाइल भी मिला हुआ था, पेज लेआउट में मिला था, इंसर्ट भी मिला था, बस फार्मूला ऑप्शन आपको नहीं मिला हुआ था, डाटा ऑप्शन आपको नहीं मिला हुआ था। मात्र ये दो मेनू ऐसा है जिसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है, बाकी तो सब तो मैंने पढ़ा ही दिया। क्यों, पेज लेआउट जिस तरीके से मैं वर्ड में काम करेगा उसी तरीके से मैं एक्सेल में काम करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें अधिकतर ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया गया। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहां से देखिए, यहां से आप चाहेंगे तो इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, इसमें इतना सारा ऑप्शन देता है। पहला लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, इसका क्या मतलब है, तो जो ये क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है आप इसको कस्टमाइज करके देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या आता है। तो बाय डिफॉल्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में मात्र 3 ऑप्शन आपको मिलता है, ये 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे सेव है, अंडू है, रीडो है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं, तो आप इसमें आप बताएंगे कि मात्र 3 ही ऑप्शन होता है। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फॉन्ट कलर, मैंने इसको ऐड कर लिया, ऐड हो रहा है, तो ये कस्टोमाइज का ऑप्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। आप इसको कस्टोमाइज करके आप ये जान सकते हैं कि क्या क्या उसमें ऑप्शन दिया है और क्या क्या हमको ऐड करना है। अब इसके बाद से इतना बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, तो ये भी आकर के इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी देखिए लास्ट में, देखिए स्टार्टिंग में कई को ऑप्शन दिखा रहे हैं, 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, कहाँ 4 को दिखा रहे हैं, 3 दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा, अब 4 हो जाएगा क्वांटिटी में, एक यहाँ पे फॉन्ट भी आपका बढ़ गया। अब चलिए अब हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले कि हम करेंगे क्या, देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे ही हम इस पे राइट क्लिक करते हैं माउस से, तो इसमें जो 4 ऑप्शन आया है, तो पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं, आप इस तरीके से समझिए, तो क्विक एक्सेस टूल बार का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, मतलब रिबन के नीचे लेके आना चाहते हैं किसको, क्विक एक्सेस टूल बार को, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे आ जाए, सेकंड ऑप्शन समझ में आया। अब तीसरा इसमें क्या ऑप्शन दिया है, कस्टमाइज द रिबन, रिबन को हम कस्टमाइज करना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी मैंने किसको कस्टमाइज किया था, क्विक एक्सेस टूल बार को, तो उस तरीके से हम इसको भी कस्टमाइज करके देख सकते हैं कि रिबन में कितना ऑप्शन दिखा है, कोई दिक्कत, और भी हमको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी इसमें क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ये ऑलरेडी ऐड है इसलिए नहीं आ रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन जो इसमें ऐड ना हो तो हम यहाँ से उठा करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसको कस्टमाइज करके देख सकते हैं हम आसानी तरीके से, कि जैसे मान के चले कि कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो इसमें हमको नहीं दिखाता है तो हम कस्टमाइज करके हम उसको ऐड कर सकते हैं, ये ऐड का ऑप्शन उसमें दिया रहता है। अब चलिए इसमें तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, अभी मैंने कस्टमाइज के बारे में पढ़ाया ना, इसके बाद लिखा है कोलैप्स द रिबन, मतलब इस रिबन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती होगी कि आप इस पे क्लिक करते होंगे, तब इस पे क्लिक करते होंगे तो ये ऑप्शन आता होगा, और जैसे ही नीचे क्लिक किए तो ये ऑप्शन गायब हो जाता होगा, एमएस वर्ड में ऐसे ज्यादा मात्रा में प्रॉब्लम आता होगा। ऐसी प्रॉब्लम जब भी आए तो किसी भी टैब पे आप माउस से राइट क्लिक करिएगा, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, किसी भी टैब पे, इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपसे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बस यही ट्रिक आपको हटाना होता है, हटा देंगे तो ये ऑप्शन आपका हाइड नहीं। अब चलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि ये आपका क्या होता है, मेनू बार होता है, और ये आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मैंने बता दिया, प्लस ये क्वेश्चन मार्क के बारे में पता ही है, हेल्प मेनू ओपन करने के लिए। अब चलिए इसमें हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें बहुत सारा जो रिबन यहाँ पे दिया हुआ है
इस रिबन के अंतर्गत बहुत सारे ग्रुप भी पाए जाते हैं, और ये ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग, ये सब एक प्रकार के ग्रुप होते हैं। और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है K8, सबको दिख रहा है, देखिए ध्यान से K8 लिखा हुआ है। अब चलिए इसमें तो आपको ये समझना है, और मैंने आपको बताया था रो और कॉलम के बारे में, रो और कॉलम क्या होता है बताइए, ऐसे बोल देंगे सेल बनता है, व्हाट इज रो, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है बोलिए। मैंने आपको बताया है कि जैसे इसमें इस सीट में देख करके बताइए रो क्या है और कॉलम क्या है। रो ये जो और वर्टिकल आपको दिख रहा है, ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है, जो नंबर में आपको लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाले रो पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना होता है, और वही सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, जो अल्फाबेटिकल है वो कॉलम है और जो नंबर है वो आपका, समझ में आया। तो देखिए मैंने अभी आपको लिखवाया है कि रो और कॉलम के कटान बिंदु से क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो ये आपका कॉलम है और वन आपका रो है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेल का नाम बता रहा है A1, जहां पर भी आप क्लिक करेंगे तो सेल का नाम बताएगा G7, तो जहां जी बराबर कॉलम और सेवन बराबर, समझ में आया, एक रो मिला और एक कॉलम मिला तो एक सेल, समझ में आया। मैंने लिखवाया भी है कि एक सेल को बनने में एक रो और एक कॉलम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो जहां पर भी क्लिक करेंगे उसी का यहाँ पे नेम आपको दिखाता है। चलिए जो नाम यहाँ पे दिखा रहा है इसका नाम होता है सेल एड्रेस नेम बॉक्स, सेल एड्रेस नेम बॉक्स लिख लीजिए इसमें, सेल एड्रेस नेम बॉक्स। इसके अंतर्गत लिख लीजिए सेल एड्रेस नेम बॉक्स, इसके अंतर्गत लिखिए इसमें एक्टिव सेल का एड्रेस शो करके दिखाता है, इसमें एक्टिव सेल का एड्रेस शो करके दिखाता है। अरे यार इसका ढक्कन कहाँ गिर गया है, इसमें एक्टिव सेल का एड्रेस शो करके दिखाता है, हो गया ना। अब देखिए इसी के जस्ट बगल में हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा होता है इंसर्ट फंक्शन, क्या लिखा है, इंसर्ट फंक्शन लिखिए, इंसर्ट फंक्शन ब्रेकेट में लिख लीजिएगा शॉर्टकट की Shift+F3, इंसर्ट फंक्शन Shift+F3 ब्रेकेट में, जैसे एमएस वर्ड में केस चेंज करने के लिए Shift+F3 का इस्तेमाल करते थे ना, यहाँ पे Shift+F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए नहीं होगा, इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए होगा, Shift+F3 नहीं मिला ना ढक्कन, लेकिन इसके अंतर्गत सभी फार्मूले को देख सकते हैं, हो गया ना। अगला हेडिंग लिखिए फार्मूला बार
देखिए इसके अंतर्गत सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो इसके अंतर्गत सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो फार्मूला बार में शो करता है। हो गया ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे अभी तो किसी सेल में कुछ लिखा नहीं गया, इस वजह से यहाँ पे शो करके नहीं दिखा। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि 16384 कॉलम है और लास्ट वाले कॉलम का नाम XFD है। XFD मैंने लिखवाया है, लिख लीजिएगा। लास्ट वाले कॉलम का नाम XFD होता है, मैंने बोला आप लोग लिखे नहीं है, ठीक है तब सही है। लास्ट वाले कॉलम पे जाने के लिए देखिए कैसे हमको पता चलेगा कि 16384 ही होता है। हो सके कि उससे ज्यादा हो, क्यों हो सके कि उससे ज्यादा हो, या 10 48 576 ही कैसा होता है, हो सके कि उससे ज्यादा हो या उससे कम हो। तो इसकी जांच करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग हम लोग करते हैं। कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पे चले जाएंगे और लास्ट वाले कॉलम का नंबर क्या होता है, 16384। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप चले आइए। अब इसमें कुछ मैंने टाइप किया है, एक और ऑप्शन है समझने के लिए कि 10 48 576 16384 लेकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सबसे लास्ट पे आ जाइएगा, सेल एड्रेस पे आ जाइएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है सबको, ट्राइंगल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, बस इसी पे क्लिक करिएगा। छोड़ना नहीं है, माउस को पकड़े रहना, अब ये नहीं कि छोड़ दीजिए तब नहीं दिखाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि 10 48 576 आर मतलब रो और 16384 सी मतलब कॉलम। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें जो है शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग हम लोग करते थे, हमें वर्ड में केस चेंज करने के लिए करते थे ना, लेकिन यहाँ पे इसका क्या प्रयोग है, इंसर्ट फंक्शन ओपन करने का। देखिए इंसर्ट फंक्शन लिखा हुआ है और देखिए शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं, क्या लिखा लिखा हुआ है ना। इसमें हम सारे फार्मूले को ऐसे चेक कर सकते हैं, जो भी फार्मूला नॉर्मल होगा यहाँ पे सब बताएंगे। यही मैंने लिखवाया ना फार्मूले को चेक करने के लिए। अब चलिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि इसको हम जानते हैं फार्मूला बार के नाम से, लिखा है फार्मूला बार। अब इसके अंतर्गत हम सेल में कुछ भी लिखेंगे तो उसमें लिखा हुआ दिखाई, तो चूंकि एक्टिव सेल है तो दिखा रहा है, क्या साइड में क्लिक करेंगे तो दिखाएगा, क्योंकि सेल में कुछ लिखा नहीं गया और छोटे छोटे सेल इसमें मिलते तब जा करके जो है इसमें सीट का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना, जबकि एमएस वर्ड में क्या था, पेज था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सीट होता है। क्या होता है, सीट होता है। देखिए अभी बाय डिफॉल्ट 2 सीट दिया है, और भी सीटों की संख्या बढ़ाना हो तो शिफ्ट प्लस F11 नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस F11 सीट को इंक्रीज करने के लिए शिफ्ट प्लस F11। सीट को इंक्रीज करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 F11 कौन सा फंक्शन की वाला F11, अब यानी कि F अलग दबाइएगा, 11 अलग दबाइएगा तब नहीं आएगा, F11 की बात हो रही है, शिफ्ट प्लस F11। अब डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसी पर राइट क्लिक करिएगा माउस से, आप चाहेंगे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बस राइट क्लिक करिए डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करिए डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करिए डिलीट कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब चलिए सबसे नीचे वाले ऑप्शंस के बारे में बताइए, इसको स्टेटस बार के नाम से जानते हैं, और स्टेटस बार में ये शो करके दिखाता है कि पेज की साइज क्या है, और एमएस वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि एमएस वर्ड में पेज की साइज को मैक्सिमम कहां तक, 500 तक, लेकिन इसमें मात्र 400 ही होता है, क्योंकि ये सीट है और वो आपका पेज होता है, दोनों में अंतर होता है। अब इसी को हम बढ़ाएंगे तो देखिए, अब इससे ऊपर नहीं जाएंगे,
कोई दिक्कत? अब चलिए, जैसे यहाँ पे सीट वन लिखा हुआ है ना, हम ये चाहते हैं कि सीट वन को हटा करके दूसरा नाम लिख दें। जैसे नित्य फार्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, एक्सेल में अगर आप एक दिन अब्सेंट करते हैं तो ये को फार्मूला नहीं जानकारी हो, 2 दिन अब्सेंट करेंगे तो 2 को फार्मूला गए, 3 दिन अब्सेंट तो 3 को फार्मूला गए, अब अब्सेंट करते रहिए समझ में आ रहा है ना, इसलिए जितना अब्सेंटिंग करेंगे उतना ऑफर आपको मिलेगा, ये बेहतरीन ऑफर है ठीक है, इसलिए कम अब्सेंटिंग तो कम फार्मूला अब्सेंट होगा, ज्यादा अब्सेंटिंग तो ज्यादा फार्मूला अब्सेंट होगा, और एक फार्मूला अगर अब्सेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट डे की क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन, क्योंकि 30 से लेकर के हमको लग रहा है कि लगभग 35-40 दिन हम इस फार्मूले को पढ़ेंगे, और हर रोज एक यूनिक फार्मूला, 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 समझ में आ रहा है ना, अलग अलग दिन में अलग अलग फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखिए, सबसे पहले जो है एक्सेल के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी इसको रीनेम करना हो आपको तो बस इसी पे माउस से राइट क्लिक करिएगा, क्या करना है, माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रीनेम का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी पे क्लिक करिएगा। अब जैसे मान के चलिए कि आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, तो यहाँ पे इसमें लिख लीजिएगा सीट वन के जगह पे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस, हो गया ना। अब देखिए इसको कलर करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टैब कलर, टैब कलर दिया है, इसी पे क्लिक करके आप इसकी कलर को भी कर सकते हैं। तो ऐसे जितना भी सीट बनाएंगे सबका अलग अलग आप बनाते जाइएगा, हो जाएगा। तो देखिए आज मैंने बहुत कुछ तो नहीं सिखाया एक्सेल में, केवल इंट्रोडक्शन रहा है, आज आपको 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ आपको लिखना, याद है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जोड़ जोड़ के लिख लेंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूँ तरीका, देखिए जैसे बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया और यहाँ से मैंने 2 लिख दिए, अब ये दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिएगा और यहाँ 10 तक लेके चले आइएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 2 से क्लिक करिएगा और 2 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो क्या होगा, अरे कम से कम 2 ऑप्शन तो याद होगा ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बस यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, देखिए, या ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, क्या चीज, देखिए तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लैब में जाके ट्राई करिए, बस आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचिए, ये आ जाएगा फॉर्मूला, देख मिलाइएगा सही की गलत है, देखिए एक्सेल कितना इजी है, अरे नहीं वो सिलेक्शन करने में दिक्कत आ जाता है, उसके लिए आता है सिलेक्शन करने में, जब दिक्कत आएगी ना तब यही प्रॉब्लम है, सही लिखा रहा है कि गलत लिखा रहा है, सही है ना, क्या मिनट लगा, देखिए 20 तक मैंने पढ़ा लिख करके स्टार्ट किया, 20 क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें भी कंफ्यूजन है, हद है मतलब यार, एक्सेल ये गलत नहीं कर सकता है, तुम लोग गलत कर लो ठीक है, बताओ यार 20 का पढ़ा तुमको नहीं याद है, हाँ तो ठीक है कल बताइएगा मैं पूछूंगा तुमको, सही है टेबल, इस तरीके से टेबल आप लोग लिखिएगा ठीक है, वैसे एक्सेल में थोड़ा सा नॉर्मली प्रैक्टिकल आप लोग करिएगा, कल की क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे ठीक है, आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया, और कल इंट्रोडक्शन पढ़ के आइएगा पूरे लोग आप लोग ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में कल पूछेंगे भी,